Hello everyone, my name is Deepa and today we will discuss about a very interesting topic which is migration. Yes, population geography का topic है, simple है, तो समझने की कोशिश करते हैं what is migration. लेकिन before that, if you are new to my channel, please channel को subscribe करिए और सभी के साथ share करिए. तो देखते हैं what is migration. Migration basically कुछ भी नहीं है, जब हम किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह move करते हैं या फिर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, travel करते हैं, that is called migration. Now, इसके कुछ factors होते हैं. क्यों हम माइग्रेशन करते हैं, क्यों हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स बेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी तभी जाना चाहेंगे, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस किसी जगह अच्छी हैं तो हम वहां पे जाने की कोशिश करते हैं. और जो है और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर उस जगह पे जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, एजुकेशन भी एक फैक्टर हो सकता है. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो वो एजुकेशन के लिए भी किसी और जगह पे माइग्रेट करते हैं. तो दीज आर सम फैक्टर्स रिलेटेड टू यू. व्हाट आर द फैक्टर्स? एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज कहा जा सकता है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नाउ दीज आर द फोर फैक्टर्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पुश पुल फैक्टर. ये दो कॉन्सेप्ट है, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर रिलेटेड टू माइग्रेशन. पुश फैक्टर, जब हम किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह चले जाते हैं. क्यों चले जाते हैं? कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किसी मान लीजिए किसी कंट्री में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया या फिर वहां की कंडीशंस कुछ ठीक नहीं है. जैसे कि हाल ही में हमने देखा कि अफगानिस्तान की जो परिस्थितियां थी उनकी वजह से उस जो कंट्री से लोग बाहर की तरफ चले जा रहे थे या फिर माइग्रेट कर रहे थे. इंडिया में कुछ लोग आ गए, रशिया चले गए, यूएसए चले, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वो माइग्रेट कर रहे हैं. सो दीज आर द पुश फैक्टर. नाउ व्हाट इज पुल फैक्टर? पुल फैक्टर जो है अट्रैक्ट करती है, इसका ठीक ऑपोजिट है पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर. पुल फैक्टर क्या है? बेटर अपॉर्चुनिटीज, वही अच्छी है कंडीशंस तो वहां पे लोग अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड पुल फैक्टर. एंड बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन. ये भी दो टर्म है, इमिग्रेशन इमिग्रेशन. नाउ व्हाट इज इमिग्रेशन? अगर हम इमिग्रेशन की बात करें तो जब हम किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह मूव करते हैं या चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन. आउट कर रहे हैं हम, एग्जिट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन. एंड व्हाट इज इमिग्रेशन? जब हम किसी जगह पे एंटर हो रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन. सो आई होप इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा. इफ यू आर फेसिंग कंफ्यूजन, आप नोट डाउन कर सकते हैं नोटबुक में. जब भी आप नोट डाउन करें तो ब्रैकेट में लिख लेना, इमिग्रेशन का मतलब है एग्जिट करना, इमिग्रेशन का मतलब है एंटर करना या फिर इन होना किसी एक जगह पे या फिर कंट्री पे. तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. आज के लिए इतना ही, एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.